और अनुमिलितम येन तस्मै श्रीगुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदलो कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय प्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गौरतुष्टे नमः। श्रीकृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशः गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तु ते। सप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि देवी वृन्दाय तुलसीदुर्भगी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रददेवी सत्यवते नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ त्रिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ हे छय गोसाई करी चरण बंदन जहा हित विघ्न नाश अभीष्ट पुरन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तुलसी गुरुपाद पद्म की जय। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे वेणु गीत है। कैसे गोपियाँ अपना घर में बैठी हुई और अपना भाव नेत्र से कृष्ण के सारी लीलाओं को दर्शन करते हुए वेणु की बंसुरी की महिमा को गा रहे हैं, कृष्ण माधुर्य को वर्णना कर रहे हैं। इसलिए हम लोग गतकल्य श्रवण किया था कृष्ण कितने सुंदर है, उनकी सुंदरता को इन लोगों ने वर्णना किया। इसलिए हम पहले सुने थे कृष्ण जो बंसी ध्वनि करते हैं, बंसी ध्वनि दो तरह का है, कहते एक है गोपीभूत मनोहर और एक है सर्वभूत मनोहर। कभी कभी कृष्ण ऐसे बंसुरी बजाया करते थे जिस बंसी ध्वनि केवल गोपियाँ ही सुन सकती है। वो कब बजाए, जब बंसी भट्ट को नीचे खड़े होकर के बंसी बजाए, उसका नाम था गोपीभूत मनोहर। क्योंकि अगर वो सर्वभूत मनोहर बंसी ध्वनि बजाते पूरा के पूरा ब्रजवासी वहाँ पर उमड़ पड़ते, लेकिन वहाँ पर कोई ब्रजवासी नहीं आए, केवल ब्रज की गोपियाँ वहाँ पर आई हैं। इसलिए कृष्ण कभी कभी बंसी ध्वनि करते थे जो सर्वभूत मनोहर, जिस बंसी ध्वनि को सबके सब वो बंसी ध्वनि को श्रवण कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो वेणु गीत है कहती है सर्वभूत मनोहर, जो सभी जो बंसी ध्वनि को सभी जो सुन सकते हैं। यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं गोपियाँ जो वेणु गीत गा रही हैं ये चीज को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि गोपियों का हृदय को कौन समझ सकता है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोपियों को चरण में प्रार्थना करती हैं, बोले हे ब्रज गोपियाँ, हे श्रीमती राधा रानी, तुम लोगों ने जो वेणु गीत गाए हो, गोपी गीत गाए हो, अभी क्यों, किस लिए, क्या भाव को आप अभिव्यक्ति करना चाहते हो, ये तो आप ही जानते हो ना, ये बात तो और कोई नहीं जानते। हाँ, वही जान सकते हैं अगर आप किसको ऊपर में कृपा करोगे तो फिर आपके हृदय को ही जान सकते हैं। अभी प्रश्न है फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी गोस्वामी इन लोगों ने पर टीका कैसे लिखे, कहते ये लोग भी कोई नहीं और ये भी वही गोपियाँ हैं। जिस समय गोपियाँ भाव नेत्र से लीला दर्शन कर रहे थे वो भी जीव गोस्वामी विलास मंजरी है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो मंजरी है, वो सखी है। इसलिए उनके हृदय को उन्होंने जाने और किसी भाव से वो गा रही थी गीत को, उनके हृदय को खुद अपना हृदय को जानती है। इसलिए महाप्रभु जब इस जगत में आए कितना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीव दया करी सपार्षद सियो धाम सह अवतारी। इसलिए महाप्रभु जब इसी जगत में आए वो अकेले नहीं आए, पूरा धाम और वहाँ के निकुंज महल को उन्होंने उतार दिया इस जगत में। इसलिए हमारी संप्रदाय में जितने सुंदर सुंदर भाव है
भागवत का जैसे जुगल गीत, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत हैं, अभी सब आपको जो टीका किए हैं, कौन कौन टीका किए, सब उनका सखी मंजरिया ही नहीं, ये सब टीका की है। इसलिए भागवत का सही सही तात्पर्य को अगर हम समझना चाहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे, चैतन्य भक्त रे तुम्हें नित्य कर संग, तबे तो बुझीबे तुम्हें सिद्धांत करेंगे। इसका मतलब है अगर कोई रसा समुद्र में स्नान करना चाहते हैं, क्या करे, बस जाओ महाप्रभु के जो भक्त हैं उनका चरण को आश्रय ग्रहण करो, तभी भागवत का जो पूर्ण रस है, पूर्ण जो भक्ति को, तभी आप ये चीज को समझ सकते हो। इसलिए कल हम लोग सुने थे, आज उसको बाद में उसको हम सुनेंगे। भगवान कहते अखुनतम फलमिदम न परंग विदाम सख्य पशु ननु विवे सतोर्वयसे वक्रम ब्रजेश सुतयो रणुवेणु जुष्टम जैवर निपीत मनुरक्त कटाक्ष मुक्षम। इस श्लोक में कहते हैं अखनताम फलमिदम नपार विदाम, इसलिए एक दूसरे सखियों को कह रही हैं, कल जा रही क्यों घर में बैठी बैठी करके, क्यों अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हो, हाँ? क्यों बर्बाद कर रहे हो जीवन को, चलो ये आंखों का सार्थकता करो, हाँ? आंखों का सार्थकता करो। तब कह रहे हैं ये आंखों का सार्थकता किसी में है, भगवान हमें जो ये आंख दिए हैं इसकी सार्थकता किसी में है, बोले इसकी सार्थकता तभी है अखनताम फलमिदम, आंख वालों का फल यही है, बोले क्या है, जब भगवान को दर्शन करोगे। अगर इन्हीं आंखों से अगर तुमने भगवत दर्शन नहीं किया तो, इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते बराहित ते नयने, कहते मयूर पंख में भी बड़े सुंदर सुंदर आंख होता है, हैं? इसलिए वो आंखों से क्या होता है, कोई काम नहीं होता है। अगर इन्हीं आंखों से कृष्ण दर्शन नहीं करते, ये आंख नहीं बल्कि ये पांख है, हाँ? मयूर पंख में जो, मयूर पंख में जो आंख बनाया हुआ, इसकी तभी सार्थकता किसमें, बोले ब्रजेश सुतयो, कहते इसको ऊपर तीन अर्थ श्री विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर तीन तरह का उन्होंने अर्थ बताए, बोले क्या बताए, बोले ब्रजेश सुतयो, कहते ब्रज का जो सुत है, बोले कौन है, बोले श्री बलदेव प्रभु और श्री कृष्ण है। ये आंखों का सार्थकता किसी में, जब इन्हीं आंखों से जब कृष्ण बलराम को, जब इन्हीं आंखों को द्वारा उनका दर्शन करो, जो बंसुरी बजाते हुए, तभी ये आंखों का सार्थकता है। कहते ये एक अर्थ बताए, बोले दूसरा अर्थ क्या बताए, कहते ब्रजेश सुतयो अणुवेणु जुष्टम। यहाँ पर गोपियां अपना भाव को छुपा कर कह रहे हैं, क्योंकि हमारे जो वैदिक संस्कृति है, संस्कृति क्या है, तुम तभी उसको मिल सकते हो, उसकी महिमा गा सकते हो, अगर तुम्हारे उसको साथ में शादी हुई तो। शादी किए बगैर हमारे शास्त्र बोलता है परम पुरुष को दर्शन नहीं करनी चाहिए, उनको बात भी नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन गोपियां तो शादी नहीं किए कृष्ण से, इसलिए डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं इन आंखों का सार्थकता किसी में, जब कृष्ण को दर्शन करोगे, हाँ? स्त्रियां उसी पुरुष को देखते हैं जिसके साथ में तुम्हारी शादी हुई है। मानो यहाँ पर अपना भाव को छुपाया, छुपा कर कहते हैं भले भैया ये आंखों का सार्थकता तभी है कि दोनों को नहीं, पहले बलदेव प्रभु चलते हैं, उनको पीछे पीछे कृष्ण चलते हैं, हैं? कहते ये आंखों का तभी सार्थकता है जब इन्हीं आंखों से अनुबेष्टु, अनु मतलब बलदेव प्रभु पहले, उसको पीछे 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 कृष्ण चलते हैं। जब ये आंखों से जब कृष्ण को तुमने बंसरी बजाते हुए दर्शन करोगे, तभी ये आंखों का सार्थकता है, नहीं तो ये आंखों का सार्थकता नहीं। इसलिए दो तरह का तीसरा अर्थ बताए, कहते उसमें मंजरियों का क्या भाव है, ब्रज गोपियों का क्या भाव है, इसलिए बोले वक्रम ब्रजेश सुतयो अनुबेणु जुष्टम। कहते कृष्ण जब कभी कभी मध्यान्ह लीला करते हैं, राधा कुंड श्याम कुंड में उनका मध्यान्ह लीला होता है, मध्यान्ह लीला में
वहां पर तरह तरह का प्रभु लीला करते हैं। विशेष करके राधा कुंड में पांच लीला ठाकुर जी करते हैं। एक है नौ का विलास, दूसरा है मधुपान, तीसरा है झूला में झूलना, चौथा है जल विहार, पंचमा है झूला लीला। कहते राधा कुंड में विशेष करके पांच लीला करते हैं। हाँ, राधा कुंड में लीला करते हुए कभी कभी अणुबेणु जुष्टम, कभी कभी कृष्ण तो बंसुरी बजाते ही हैं, लेकिन कभी कभी राधा रानी भी बंसुरी बजाते हैं। इसलिए मध्याह्न लीला में अब निधुवन अब जय गए हमने देखा होंगे, राधा रानी खड़ी होकर बंसुरी बजाती हैं, राधा रानी भी बंसुरी बजाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण तो पहले बंसुरी बजाए, जब वो बंसी को लेकर के फिर श्री राधा रानी फिर पीछे पीछे क्या करती हैं, वो बंसुरी बजाती हैं। इसलिए ये मंजरियों का भाव है, कहती है आंखों का तब भी सार्थकता है, बोले कब सार्थकता, जब राधा रानी को कृष्ण को बाद में राधा रानी को बंसुरी बजाते हुए देखोगे तभी इन आंखों का सार्थकता, क्योंकि जो मंजरिया होती है वो राधा पक्षिया है। इसलिए तीन तरह का सखिया होती है, एक तटस्थ, एक विपक्ष और एक है स्वपक्ष। तटस्थ कौन है, जो राधा कृष्ण दोनों को मानते हैं, लेकिन मानने पर भी जैसे ललिता विशाखा दी, मानने पर भी वो राधा रानी के तरफ में ज्यादा झुके हुए होते हैं। और कुछ होते हैं विपक्ष, जो केवल कृष्ण को ही मानते हैं राधा जी को नहीं, और कुछ होते हैं श्री राधा पक्षिया हैं। ये श्री राधा पक्षिया होता है, राधा जी के सुख में सुखी और राधा जी के दुख में दुखी। इसलिए ये मंजरियों का भावना है भैया, ये आंखों का सार्थकता किस में, अर्थ राधा पक्षिया है, जब राधा रानी को बंसुरी बजाते हुए देखोगे तभी ये आंखों का सार्थकता है, नहीं तो ये आंखों का सार्थकता नहीं है। इसलिए वो एक भावना है। इसलिए रणुबेणु जुष्टम वयसे बक्रम ब्रजेश सुत रणुबेणु जुष्टम जैवा निपीत मनुरक्ष कटाक्ष सुमक्षम। तो यहाँ पर कह रहे हैं, आप बता रहे हो ये आंखों का तभी सार्थकता है जब कृष्ण को राधा जी को कृष्ण बलराम दोनों जाते हुए देखोगे तभी सार्थकता, लेकिन हम जाए कैसे, हम जाए कैसे, क्योंकि कृष्ण को साथ साथ हुए नहीं, क्योंकि हम सब छोड़ छाड़ कर कृष्ण को दर्शन करने के लिए जाए। हाँ, हम तो पूरा संसार का बंधन में हम बंधे हुए हैं, हमारे सास है, ननंद है, देवर है, जेठ है हमारी, पर हम कैसे जाए वहां पर। तब तो कहते अनुरक्त कटाक्ष सुमक्षम, इसका मतलब है कहते कोई चिंता मत करो, कोई डर भय नहीं, गोपिया कहती है कोई डर भय नहीं। हाँ, बोले क्यों डर भय नहीं, बोले जब कृष्ण को एक बार दर्शन करोगे ना, उसको जो कटाक्ष है, मतलब वो जब किसको दर्शन करते ही वो दर्शन नहीं जैसे तीर जैसे हृदय में, जैसे तीर जैसे चुभ जाती, इस पार उस पार हो जाता है। इसलिए कृष्ण जब किसको दर्शन करेंगे, दर्शन करते ही हमारा जितने लाज लज्जा भय जो कुछ है ना, सब दूर हो जाएगा, सब कुछ दूर हो जाएगा। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं स्वरूप नयन हेरे केह नाही घरे फिरे, संसार जीवर से तो है सर्वनाश, बंधु संगे थाके जदि रंग परियास। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर रूप गोस्वामी कहते हैं बोले खबरदार उसको दर्शन करने के लिए मत जाओ, अगर एक बार दर्शन करोगे ना उनका तेरे से चितवन, अगर नजर में एक बार नजर मिल गया ना तुम्हारी, फिर तो उनको सर पर मयूर पंख दर्शन कर लिया, बंसुरी बजाते हुए दर्शन कर लिया, फिर तो अगर पिता देखेगा तो हाँ, पति देखेगा तो पत्नी को भूल जाएगी, पत्नी देखेगा तो पति को भूल जाएगी, बच्चे देखेगा तो पिता माता को भूल जाएंगे, पिता माता देखेगा तो बच्चे को भूल जाएंगे। जो एक बार उसको दर्शन करेगा सेहो नाही घरे फिरे, फिर दो बार घर में वापस नहीं आता है, और संसारी जीवे से तो है सर्वनाश, पास को सर्वनाश हो जाएगा। वृंदावन में डोलो राधे राधे बोलो, पास बोल करके घूमते रहोगे पागल जैसे। इसलिए यहाँ पर श्री विश्वनाथ शेखर ठाकुर अलग 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 भावना यहाँ पर उन्होंने बताया है। बोले वेणु जुष्टम का देखो ये बंसुरी के कितने सौभाग्य है। हाँ, कृष्ण संपूर्ण रूप में जब ये बंसी ध्वनि करते हैं, पूरा बंसी ध्वनि के छिद्र में अपना जो खून देते नहीं, पूरा बंसी में
अपना अधरा मृत को पूरा के पूरा वंशी में भर देते हैं, पूरा अधरा मृत वंशी में भर देते हैं। इसलिए विशेष करके तो वंशी में दो गुण हैं। पहला गुण क्या है, कृष्ण क्यों बंसुरी को पास में रखते हैं, कृष्ण बंसुरी क्यों बजाते हैं, बोले दो गुण। पहला गुण है वो अंदर से पोला है खाली, दूसरा गुण है कृष्ण जैसे चाहते हैं ना उसे ठीक वैसे ही आवाज निकलती है। इसका शिक्षा देते हैं भगवान को पास में आए तो ये दो गुण लेकर के आओ। पहला गुण किया बोले अपना हृदय को पहले खाली करके आओ, पहले हृदय को खाली करके आओ। दूसरा कृष्ण जैसे अपना अधरा मृत को भरना चाहते हैं भक्ति को बस वैसे ही अपना हृदय में कृष्ण भक्ति रस को तुम हृदय में वैसे भर लो, फिर तो तुम्हारी जीवन धन्य हो जाएगी। इसको पर मैं तो बहुत बहुत व्याख्या बताए लेकिन एक ही चीज को पढ़ पढ़ कर बोलो फिर होता है, नहीं तो नहीं होता। इसलिए दूसरे में कहते हैं बोले चुत प्रबाल बराह स्तवो कपलाब्ज मालानुप्रिक्त परिधान विचित्र वेशौ मध्ये बीरज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्या रंगे जथा नटवर कुच गायमानम। यहाँ पर इसमें वर्णना करते हैं, कहते कृष्ण कितने सुंदर उनके श्रृंगार है। कल हम लोगों ने सुना था कृष्ण कैसे बराह पीड़म नटवर, यहाँ पर बता रहे हैं कृष्ण जब वृंदावन धाम में अपना सखाओं को साथ में कभी सखियों को साथ में जाते हैं, कभी उनको सखियां भी श्रृंगार करती हैं, कभी उनको सखा लोग भी उनको श्रृंगार करते हैं। बोले कैसे कैसे श्रृंगार करते, बोले चुत प्रवाल भरा स्तबोक पलाप जयी। इसलिए यद्यपि उनकी श्रृंगार कभी बैकुंठ में होता है उनको लक्ष्मियां करती हैं, कभी अयोध्या में उनको श्रृंगार होता है, कभी उनको द्वारका में श्रृंगार होता है। कहते उनको सबसे सुंदर श्रृंगार कहाँ होता है, कृष्ण कहते जब मैं वृंदावन में होता हूँ और वन के फल पत्ते फूलों से जब मेरे को श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगार सबसे मेरा प्रिय श्रृंगार और सबसे बढ़िया श्रृंगार है। कैसे सुंदर सुंदर कोमल कोमल पत्तों को ला करके जूही बेली चमेली सुंदर सुंदर पुष्पों को द्वारा कृष्ण को संपूर्ण शरीर को अपूर्व रूप में श्रृंगार करते हैं, और उनको कानों में कभी कभी जो कमल फूल होता है नील कमल होता है हाँ उसका अंदर में जो पराग होता है उसको द्वारा कभी कभी कृष्ण का कुंडल उसको द्वारा बना देते हैं हाँ? और उनको बोले नटब कुछ गाय मानम, कहते हैं जैसे नट होता है ना, नट मतलब क्या, जो सुंदर जो नृत्य करते हैं हाँ? जब सुंदर नृत्य करते हैं उसको कहते हैं नट है। लेकिन कृष्ण बलराम जब सखाओं को साथ में से वृंदावन धाम में हाँ सुंदर रूप में लीला करते हैं कैसे लगते हैं, नट भरो नट भरो मतलब जितने सारे नाचने वालों में वो सर्वश्रेष्ठ नृत्यकार है, इतने सुंदर कोई नृत्य नहीं कर सकते हैं हाँ? कोई सुंदर नृत्य। इसलिए हम पर कल सुन रहे थे कैसे शंकर जी को कहते हैं नटराज है, शंकर जी नटराज है। बोले कृष्ण को क्या कहते हैं, बोले नट भर है, नट भर मतलब नट मतलब शंकर, भर मतलब पति, शंकर का भी जो पति है। क्योंकि शंकर जी पहले सोचते थे सबसे बड़े सुंदर नृत्य करने वाला मैं हूँ, लेकिन जब कृष्ण को नृत्य करते हुए देखा कालियों को सिर को ऊपर में हाँ बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, पम 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 पद पद गत फम फम पम पन पौ पर बिंग 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 बिनत करत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। इसलिए कृष्ण जब नृत्य करते हैं कहते बम बम बलिहारी, शंकर भी कहते प्रभु आपकी जय जयकार हो आपकी जय जयकार हो, पहले तो मैं सोचता सबसे बढ़िया नाचने वाले मैं हूँ लेकिन मैं नहीं, इसलिए अब तो नटभर हो नट का जो पति। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं रंगे जथा नटभरो कुछ गायमानम मध्य विरज अतुलम पशुपाल गोष्ठ्या रंगे जथा नटभरो कुछ गायमानम, कृष्ण विदीर्ण विचित्र
सुंदर फाल फूल से सुंदर जब सुसज्जित होते हैं, अपूर्व रूप में उनका दर्शन होता है। बल्ल गोप्यम किमाचर दयम कुशलस्म वेणु दामोदर अधर सुधाम गोपिका नाम भुक्ते स्वयं जदवशिष्ट रसम हृदन हिस्सत्व अश्रु मुमुचु स्तरो यथार्य। यहाँ पर कहते गोप्यम किम आचरत कुशलस्म वेणु। यहाँ कभी कभी जो गोपियां है ना बंसुरी को अपना सौत मानती है, उनका अपना सौत मानती है। सौत समझते हैं ना, एक पति का अगर दो तीन स्त्रियां होती है ना, एक दूसरे को सौत मानती है, इसलिए कभी कभी उनका सौत मानती है। और कभी कभी कहते हैं भैया ये बंसुरी ने ऐसे क्या सौभाग्य किया। फिर दूसरे गोपियां कहते बोले कोई सौभाग्य भोग्या कुछ भी नहीं किया। बोले क्यों? बोले अगर सौभाग्य करता तो वो कहाँ जन्म हुआ? कोई अच्छे कुल में जन्म होता है ना, बढ़िया कुल में जन्म होता। वो कहाँ जन्म हुआ? वो जन्म हुआ बांस का टुकड़ा, बांस होकर जंगल में जन्म हुआ, कोई अच्छी बात कर्म नहीं किया। तो होता ना डहा करके कभी कभी कहते ना सौत को, अरे उसने क्या कर्म किया, बेकार कर्म किया। इसलिए कभी कभी उनको सौत मान कर कहती है कौन सा बड़ा काम किया, पेड़ होकर के जंगल में जन्म लिया, कोई बढ़िया काम नहीं किया। कोई कहते नहीं अगर वो बढ़िया कोई कर्म नहीं करता तो फिर भगवान ही बंसुरी को पास में क्यों रखते हैं? ये जरूर पूर्व जन्म में ये जरूर कोई बहुत बड़ा कोई पुण्य काम किया है, नहीं तो भगवान को पास में थोड़ी कोई रह सकते हैं। देखो कृष्ण कभी बंसुरी को छोड़ते हैं कभी? कभी नहीं छोड़ते हैं। कभी हाथों में, कभी अधर में, कभी कमरे में, कभी बगल में, उसको कभी छोड़ते नहीं। साधारण व्यक्ति थोड़ी भगवान को सान्निध्य को प्राप्त कर सकता है, वही तो भगवान को सान्निध्य पास को वही प्राप्त कर सकता है। बोले जन्मांतरे भवेत पुण्यम बहु जन्म समर्जित न, एक जन्म नहीं करोड़ों करोड़ों जन्म का सुकृति पुंजीभूत होने पर तभी कृष्ण का निकटता को कोई प्राप्त कर सकता है। साधारण भाग्य से कोई भगवान को पास में फटक भी नहीं सकता है। जरूर ये कुशलस्म वेणु, देखो कृष्ण गोप हम गोपी, इसलिए कृष्ण का अधरामृत में किसके अधिकार? हमारी अधिकार है। लेकिन ये बंसी को देखो, ये हमें अंगूठा दिखा दिखा करके अंगूठा दिखा दिखा करके कृष्ण का सारे अधरामृत को ही पान कर रहा है। और कृष्ण का अधर कितने सुंदर है बताया, बिंब फल जैसे, बिंब फल जैसे सुंदर रक्तिम वर्ण है, लाल वर्ण है, ऐसे कृष्ण का अधर अपूर्व सुंदर देखने में। लेकिन ये बंसुरी को देखो, सारे रस को चूस चूस करके ना सब पी लिया, और कृष्ण का जो अधरा इतना सुंदर है देखो ऐसे काला पड़ गया, नील पड़ गया, मतलब इसने सारे रस को यही पी रहा है ये है। इसलिए ये पूर्व जन्म में ऐसे क्या पुण्य किया है जो कि कृष्ण उसको कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती है अगले जीवन में और मैं राधा बन करके नहीं आऊंगी। हाँ आऊंगी तो क्या बन करके आऊंगी? बंसुरी बन करके आऊंगी, चलो पौर्णमासी के पास। क्योंकि जो पौर्णमासी और सर्वज्ञ सब जानती है, हम उनको पूछेंगे ये बंसुरी ने पूर्व जन्म में क्या सौभाग्य किया था, क्या सौभाग्य किया था और ये बांस बन करके आया। हम भी ऐसे तपस्या करेंगे और तपस्या करके ऐसे बांस बन करके आएंगे बंसुरी, और कृष्ण हमें पास में रखेंगे। फिर राधा रानी कह रही है अगर हम बांस बन करके आएंगे फिर कृष्ण को पता कैसे चलेगा? वही राधा रानी बोले कृष्ण सब जानते हैं, कृष्ण सब जानते हैं, इसलिए उनको अपने आप पता चल जाएगा मैं राधा ही और ये बंसुरी में बन करके आया हूँ। और जो वेणु, ये जो शब्द आया ना, ये वेणु पुल्लिंग है, ये वेणु पुल्लिंग है पुरुष। तो वो गोपियां कहती है देखो ये पुरुष जाति होकर के है, अगर स्त्री जाति में कोई होता कृष्ण रखते तो कोई बात नहीं, ये पुरुष होकर के भी वो कैसे कृष्ण के अधरामृत को पान करते हैं। बड़े सुंदर एक उदाहरण दिया, कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं ऐसे खड़े होकर के उदाहरण देते हैं, ये बंसुरी नहीं जैसे कोई एक राजा महाराज, जैसे किसी राजा महाराजा की सेवा करते हैं, कैसे डल्लभ गद्दी के ऊपर सुलाते हैं। कहते कृष्ण का अंगुल कितने सुंदर है, कितने कोमल कृष्ण का अंगुल। कहती बंसुरी को ऐसे पकड़े नहीं
जैसे एक राजा महाराजे को जैसे डल्लो गद्दी के ऊपर सुलाते ऐसे सुलाए। उसके बाद भी फिर क्या करते, बोले उसको चरण दबाते हैं। बोले कृष्ण जी अंगुली चलाते हैं, वो अंगुली नहीं, बंसुरी बजा अंगुली चलाते हैं ना, बोले अंगुली नहीं चला रहे, बोले क्या कर रहे हैं, बोले उसका चरण को दबा रहे। फिर राजा महाराजा का क्या करते हैं, उनको पंखा झुलाते हैं। बोले पंखा क्या झुला, बोले आंखों का जो पलक है ना, बार बार पलक झपका है। बोले पलक नहीं झप रहे कृष्ण, ये बंसुरी को जैसे राजा महाराज को जैसे पंखा झुलाते हैं, ऐसे पंखा झुलाते हैं। कहते जैसे उसको सर पर छत्र धारण करते हैं। बोले कृष्ण कान में जो कुंडल ऐसे होता है ना, कहते कुंडल नहीं, उसके सर के ऊपर भी छत्र धारण किए हैं। ये कुंडल नहीं, उसको सर पर छत्र धारण किया। ये वैसे कुशलस्म बेणु, ये कौन सा तपस्या किया, दामोदर का सारे अधर सुधा को पान करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गोपियां, बोले कृष्णा का एक नाम दामोदर पड़ा। बोले दामोदर का पड़ा, जब कृष्ण बड़े होकर के मक्खन चोरी की, मैया जसोदा ने उसको जब उखल में बांध दिया, तब उनका नाम पड़ गया दामोदर। दा मतलब होता है रजू, उदर मतलब होता है कमर, कमर में रस्सी को द्वारा कमर को बांध दिया, तभी उनका नाम दामोदर नाम पड़ा। बोले दामोदर नाम कब पड़ा, कृष्ण जब बड़े हुए तभी इनका नाम दामोदर पड़ा। लेकिन तो हमारी कृष्ण के साथ में संबंध जन्म से है, ये जन्म से कृष्ण के साथ में संबंध हमारी, इसलिए लेकिन बड़े होकर उनका नाम दामोदर नाम पड़ा है। लेकिन पता नहीं ये बीच में बंसुरी कहाँ से आ गया, हम तो जन्म से ही कृष्ण के साथ में, हमारी कृष्ण गोप हम गोपियां जन्म से उसको साथ में संबंध, पता नहीं ये बीच में बंसुरी कहाँ से आकर के ये दामोदर अधर सुधा, ये दामोदर का सारे अधर सुधा को ये पान कर रहा है। तो उन्होंने एक बढ़िया उदाहरण दिया, बोले देखो देखो वृंदावन की सारे वृक्षों को देखो, सारे वृक्षों को देखो, अब सारी नदियों को देखो, हैं ये सारे नदियों को देखो, ये जितने नदियां देखो उसमें जो फूल खिले हुए, जैसे मानसी गंगा है, कुसुम सरोवर है, राधा कुंड श्याम कुंड है, जमुना में जो फूल खिले हुए ना, वो फूल नहीं खिले हुए। बोले क्या, बोले वो हंस रहे हैं, खुश होकर हंस रहे हैं। बोले खुश होकर हंस रहे हैं, बोले ये खुश होकर हंस रहे हैं क्यों, कारण क्या, बोले कारण है जब किसी वंश में कोई एक बेटा भगवान का भजन में लग जाए उसको कितने लाभ है। कल बता रहा था ना, बोले कुलम पवित्रम जननी कितार्था वसुंधरा बसती सधन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरि पितरे साम जैसाम कुले वैष्णव नाम धेय। एक अगर वैष्णव पुत्र किसी कुल में जन्म हो जाए, उसको त्रिसप्त भी पिता पुत्र किसी कुल उधार हो जाता है। श्री वृंदावन दास ठाकुर तो बताए त्रिकोटि कुल रहे श्री वैकुंठ वास, वो इतने बड़ी बात कहते हैं। मतलब 3 करोड़ पूर्वजों का वैकुंठ वास होता है, और भक्तमाल में वहां पर बताए 108 परिवार उनके पूर्वजों को उधार हो जाता है। उनने बताया माता की कुल कितने, पिता की कुल कितने, फूफा की बुआ की, वहां पर सब हिसाब दिया है। इसलिए इतने वंश का कल्याण होता है, वंश में अगर एक वैष्णव पुत्र जन्म हो जाए। इसलिए यहाँ पर गोपियां कहती हैं देखो ये सब नदियां क्यों हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं नदियां, कारण यही है कि तो उनको वंश में है, कहते इनको इनको जैसे माँ स्तनपान करती है ना, जैसे जैसे माँ का स्तनपान करके बच्चा बड़ा होता है। कहते यहाँ पर माँ कौन है, बोले बांस वृक्ष है, ये माँ है, क्योंकि उसका एक टुकड़ा ही बंसुरी है। और यहाँ पर वृंदावन के जितने सौ पेड़ हैं उसमें इतने सुंदर जो फूल खिले हुए, और उससे जो मधु झरता है, मधु क्यों झर रहा है, किस लिए मधु झर रहा है, इसलिए मधु झर रहा है वंश में जब एक पुत्र वैष्णव होता है, इतने लाभ है, नृत्यन्ति स्वर्गे पितरे पितरे साम, इतने पूर्वज गए वो भी नाच उठते हैं, धरणी अपना को धन्य मानती है, पिता माता की को धन्य हो जाता है और खुश हो जाता है, हमारे वंश में इतने एक सुंदर बच्चा जन्म हुआ जो भगवान की भजन कर रहा है, जैसे विजय भी प्रचार करता है, माता जी को खुश होता कि नहीं, खुश हो रहे कि नहीं, होती हो, हाँ हमारा बच्चा प्रचार कर रहा है। कहते उसी तरह ये गोपियां कह रही हैं, कहते ये जो पेड़ से हाँ ये मधु क्यों झर रहा है, पर इसलिए मधु झर रहा है ये जो वृक्ष है ना उसका ही बांस का टुकड़ा ये
ये बंसरी है, इसलिए इस इतने सब वृक्ष है ना, वो इसलिए रो कर गए, ज्यादा को आनंद होता है ना, आंखों से आंसू रहता है ज्यादा आनंद से, कहते ये खुश हो करके ना आंखों का आंसुओं को झरा रहे, हमारे कितने भाग्य है हमारे बंसर में ऐसे एक बांस के टुकड़ा जन्म हुआ जिसको कृष्ण कभी पास में छोड़ते नहीं, हर समय ये बंसुरी को लेकर के अपना पास में रखते हैं, वो आंसू झर रही हैं। और जो फूल जो खिले हुए फूल क्यों खिले हुए सरोवर में, वो हंस रही हैं, बोले किस लिए हंस रही हैं, वो जो वृक्ष जो बड़ा कैसे होता है, पानी से बड़ा होता है, इसलिए बच्चा जो बड़ा होता है कैसे, माँ की स्तनपान करके बड़ा होता है, इसलिए ये जो सरोवर है ना, इसलिए उसमें फूल खिल करके हंस रही है, बोले हमारे स्तन चुके हमारे स्तन पान करके तो वो बड़ा हुआ ना, अगर हमारे स्तन पान नहीं करता तो बच्चा बड़ा कैसे होता, बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए ये इसलिए वो उनकी माँ की स्तन का स्तन को साथ में उदाहरण देते हैं, इसलिए कहते देखो हमारे कितने सौभाग्य हमारे बच्चे में ये बंसुरी कैसे जन्म हुआ है। हाँ, उसको बाद में कहते हैं कृष्णा ब्रज में जन्म हुए हैं, इसलिए कहते हैं वृंदावनम सखी भुवो बीतो नौति कीर्ति जत देवकी सुत पदाम्बुज जल लक्ष्मी गोविंद वेणु मनु मत मयूर नृत्यम प्रख्यादि सन्न वरताम समस्त सत्वम वृंदावनम सखी भुवो बीतनेतु कीर्ति। देखो ये वृंदावन की सौभाग्य तो देखो, क्यों वृंदावन की इतने सौभाग्य, वृंदावनम सखी भुवम बीतो नोति कीर्ति, वृंदावन की कीर्ति का जय जयकार हो रहा है, बोले क्यों जय जयकार हो रहा है, बोले इसका नाम है वृंदावन, इसका बहुत सारे अर्थ है, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहां पर तुलसी का वन है, वृंदा राधा जी का वृंदा देवी का ये वन वृंदावन, जो मूल वृंदा कौन, बोले श्रीमती राधा रानी, वन मतलब ये किसका वन है, कहते श्री राधा वन है, राधा वन, अब वृंदा मतलब भक्त वृंदा, अवन मतलब जब कोई वृंदावन में भजन करने के लिए आए, साधन भजन करने के लिए आए, ये वृंदावन भक्तों को रक्षा करता है, आश्रय देता है, इसलिए वृंदावनम सखी भुवो बितनोति कीर्ति, कहते वृंदावन के तो जय जयकार हो रहे, बोले क्यों, इसलिए गोपियां कहती हैं बोले जयति तिधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सास्वदत्र ही दयित दृक्षताम तीक्षुतावका त्वयि धृतात्सव त्वांग विचिन्नते, जिन्हें कहते जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा, इसलिए गोपियां कहती हे वृंदावन धाम तुम्हारी जय जयकार हो, बोले क्यों, बोले जन्मना ब्रज कृष्ण जहां पर जन्म हुए हैं, कृष्ण कहीं जन्म नहीं हुए, स्वर्ग में भी जन्म नहीं हुए, वैकुंठ में जन्म नहीं हुए, मथुरा में नहीं जन्म हुए, द्वारका में नहीं जन्म हुए, जन्म हुए कहाँ पर, श्री वृंदावन धाम में ही जन्म होते हैं हुए हैं, इसलिए जयति ते अधिकम विशेष विशेष करके अधिक अधिक रूप में तुम्हारे जय जयकार, बोले क्यों, बोले कृष्ण ब्रज में जन्म हुए तब से वृंदावन किया हो गया, बोले श्रयत इंदिरा, कहते लक्ष्मी की ये क्रीड़ा भूमि बन गई, जहां पर एक लक्ष्मी नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं सत संभ्रम सभ्यमानम लक्ष्मी सह सत संभ्रम सभ्यमानम, एक लक्ष्मी नहीं हजार लक्ष्मियां जहां पर सेवा कर रही हैं, ये ब्रज गोपियां एक एक लक्ष्मी हैं, इसलिए वृंदावन धाम के तो वृंदावनम सखी को बितनोति कीर्ति, बोले क्यों, बोले जब देवक सुत पदाम भोज लब्ध लक्ष्मी, जो देवक सुत जसोदा की दो नाम, एक देवकी एक जसोदा है, यहाँ पर जसोदा के लिए कह रहे हैं, बोले यहाँ पर कृष्ण हर अवतार में पादुका धारण किया है, लेकिन केवल एक ही अवतार हुए हैं वो कभी पादुका ग्रहण नहीं किया, बोले कौन, बोले कृष्ण अवतार, इसलिए कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाने के लिए तैयारी हुए, मैया जसोदा बोले लाला वन में कितने कंकड़ कितने घास कितने
वहां पर कांटा होगा, पैर में चुभ जाएगा। भर लिए दो जूती, जूती बना देता हूँ और एक छतरी बना देती हूँ। बोले माँ हम गोपाल हैं, ये गैया हमारे इष्ट हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। हैं हमारे इष्ट गैया को पास में जूता छतरी नहीं, और हम उनका सेवक होकर जूते छतरी कैसे धारण करेंगे, कैसे धारण करेंगे? अगर मेरे लिए एक जूता छतरी बनाओगे ना, पहले एक काम कर, ये जितने गैया है ना सबके लिए जूती बना दे, और सबके लिए छतरी बना दे, फिर मेरे लिए भी जूती छतरी बना देना, फिर मैं भी चलूंगी। है इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं, फिर कृष्ण जब चलते थे, विश्वनाथ चकुर ठाकुर कह रहे, कृष्ण जब चलते थे फिर वृंदावन में नुकले नुकले पत्थर है, कंकड़ है, घास भूस है, कृष्ण प्यार में नहीं लगते? तो बोले नहीं। बोले क्यों? बोले कृष्ण जब चरण रखते है ना, चरण रखते समय हैं, बोले गिरिराज गोवर्धन वृंदावन अपना जीवा को निकाल देते थे। बोले प्रभु चरण भगवान का चरण है, वो अपना जीवा को निकाल देते हैं गिरिराज गोवर्धन, और कृष्ण जीवा को ऊपर में प्यार रखते हैं। और ये जीवा कितने गुदगुद होता है, कितने कोमल होता है, संत लोगों तो अपना हृदय को बिछा देते हैं। और इसे वृंदावन धाम तो कृष्ण आने पर इसे वृंदावन धाम तो अपना हृदय को बिछा देती है। इसलिए वृंदा देवी उनके लिए सुंदर सुंदर उनके लिए व्यवस्था करती है, इसलिए उनको प्यार में लगता नहीं। इसलिए कहते वृंदावनम सखी गो वितनोति कीर्ति, कि श्री कृष्ण आने पर, देवक सुद कृष्ण आने पर कहते हैं ये वृंदावन धाम, कहते हैं वैकुंठ जनित पुरा मधुपुरी तथा भी रासोत्सव, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ श्री वृंदावन धाम, वृंदावन से श्रेष्ठ कौन है? श्री रास मंडल, जहां पर भगवान संपूर्ण प्रेम रसों से संपूर्ण डुबा दिया। बोले उससे श्रेष्ठ कौन है? तथा भी गिरिराज गोवर्धन। बोले गिरिराज गोवर्धन में श्रेष्ठ कौन है? बोले श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड, जिसे वृंदावन धाम में ये दिव्य वृंदावन धाम में राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन जहां पर विद्यमान है। इसलिए वृंदावन धाम की विशेष जय जयकार हो रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं बोले गोविंद बेणु मनमत मयूर नृत्यम प्रख्यादि सान्न भरताम समस्त सत्वम। कृष्ण कल सुन रहे थे ना, कृष्ण भैरव पंखा क्यों लगाए? उसका कारण कहते हैं बेणु मत मयूर नृत्यम। कहते कृष्ण क्यों मयूर पंख लगाए? कृष्ण जब बंसी ध्वनि करते थे, एक मयूर कब नृत्य करता है? जब आकाश में मेघ छा जाए और वहां पर बिजली चमकने लगे और गड़गड़ 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 शब्द हो, रिम झिम बारिश होने लग जाए, तभी मयूर अपना पंख खोल करके थिर थिर कर नृत्य करता है। यहाँ पर उदाहरण देते हैं कृष्ण का रंग कैसे है? काला मेघ जैसे। भले उनका वस्त्र कैसे? मानो स्थिर विद्युत उनका शरीर में विद्यमान है। जब बंसुरी बजाते हैं वो शब्द कैसे? जैसे आकाश में मेघ गड़गड़ गड़गड़ शब्द करता है। इतने में मयूर ने कृष्ण का ही रूप देख करके ना, बंसुरी ध्वनि सुन करके मयूर तो पंख खोल दिया, पंखों खोल करके मयूर तो नाचना शुरू कर दिया। हाँ सुंदर सुंदर थिरक थिरक करके मयूर नाचना शुरू कर दिया। जब नाचना शुरू कर दिया, अभी जब कोई व्यक्ति नृत्य करता है ना, मन खुश रहता है, अब जो कुछ मांगो वो दे देता है, जो कुछ मांगो वो दे देता है। अभी मयूर कब नृत्य करता है? एक व्यक्ति दुखी से कोई नाचता नहीं, सुख से सब नाचते हैं। और कृष्ण ने बंसुरी बजाया इतना सुंदर, और उसी की वजह से उसने नृत्य किया। अभी उसको कृष्ण को कुछ देनी चाहिए। बोले भैया मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास में मेरे पंख ही है, मेरे पास में मैं अपना पंख तुम्हें दे सकता हूँ। हैं इतने में उसने मयूर ने अपना पंख को झाड़ देता है। झाड़ देने पर वहां से एक पंख गिर पड़ा। जैसे होता है ना भारत में, जब कोई सुंदर नृत्य कर कोई पैसा लेकर ऐसे घुमा घुमा करके उसको पैसा देते हैं। इसलिए अभी उन्होंने कृष्ण को उन्होंने प्रेम का उपहार दिया है। अब प्रेम का उपहार कहाँ धारण करनी चाहिए? सर्वश्रेष्ठ स्थान में धारण करनी चाहिए। इसलिए कृष्ण एक पंख उठाए और अपना सर पर बूंद लिया। इसलिए कहते पंख, कहते ये एक कारण कृष्ण पंख धारण करते। उसका दूसरा कारण बताए, जो मयूर का जो नृत्य है सबसे सुंदर नृत्य मयूर का नृत्य है, सबसे सुंदर मानी गई। इसलिए कृष्ण इसलिए मयूर पंख लगाते हैं। कहा देखो जगत में जितने नाचने वाले व्यक्ति है ना, सबसे बढ़िया नाचने वाला मैं हूँ,
मेरे जैसे कोई नाचने वाले नहीं, इसलिए कृष्ण क्या करते हैं अपना सर पर मयूर पंख लगा देते हैं। कहते सन्न भारतम समस्त सत्वम, कृष्ण जब चलते हैं इसी वृंदावन धाम में, कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके कहते वृंदावन में जो घास, बोले घास नहीं, बोले क्या है, बोले कृष्ण जब चलते हैं कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके, जैसे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बोले बाल नहीं ये, कहते इनका रोंगटे खड़े हो रहा है कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके। बोले वहां पर जो झरना बहती है, बोले झरना नहीं, गिरिराज गोवर्धन वृंदावन धाम रो रहे, आंखों से आंसू बह रहे, बोले क्यों, बोले कृष्ण का चरण स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है, चरण स्पर्श मुझे प्राप्त हो रहा है। इसलिए कृष्ण जब वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं, चरण स्पर्श कर संपूर्ण वृंदावन धाम, उनका बक्ष स्थल में कृष्ण का चरण में उन्हें से चिन्ह होता है। कृष्ण जब चलते हैं ये पृथ्वी के ऊपर में, कृष्ण का जो चरण का छाप पड़ते ही पृथ्वी अपना हृदय में उनका चरण का स्पर्श को पा करके अपना प्रेम में गदगद हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं सखियां, ये वृंदावन धाम की क्या महिमा बताए, ये वृंदावन धाम की तो अपूर्व महिमा है। बोले श्री वृंदावन धाम की, बोले श्री जय गिरिराज गोवर्धन की, जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बो। ठीक है, फिर कल उसको बाद में सुना। जय।